हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 38 चेस्ट की 3 पीस प्रिंसेस कट की हम कटिंग देखने वाले हैं। तो चेस्ट है 38 इंच, उसका 1/4 लेंगे हम 9.5 इंच, लंबाई है 14 इंच, गला फ्रंट नेक 6 इंच और बैक नेक 8 इंच, बाजू की लंबाई है 6 इंच और चौड़ाई में 6 इंच। अब इसकी कटिंग देखते हैं। तो पहले हम ब्लाउज़ की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई है 14 इंच, तो हम 1 इंच उसमें प्लस करते हैं, यानी कि 15 इंच हम लंबाई लेंगे। यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं। तो जैसे 38 इंच हमारी चेस्ट है, तो उसका 1/4 लेंगे हम 9.5 इंच, उसमें 1.5 इंच प्लस करते हैं। तो ये हुआ हमारा, ये 1/4 निकाल, पहले हमने 1/4 लिया है और फिर 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन के लिए प्लस किया है। 2.5 इंच पे हम गले का निशान लगाते हैं, 5.5 इंच पे हम शोल्डर का निशान लगाते हैं। गले की लेंथ है 6 इंच, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे एक मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम 2.5 इंच लेंगे। अब इसका बॉक्स बनाते हैं। अड़ती चेस्ट के लिए हम 6 इंच आर्मोल लेंगे। यहाँ से भी हम 5.5 इंच लेंगे, इस तरह से ये 5.5 इंच लेंगे। अब इसका बॉक्स बनाते हैं। अब 38 चेस्ट के लिए, जैसे कि 30 होगा, 30 के अंदर होगा, तो हम यहाँ पे गोलाई का शेप 1 और 1.5 इंच पे देते हैं। लेकिन ये 30 इंचेस के ज़्यादा है, तो हम गोलाई का शेप 1.5 इंच पे पहला देते, 2 इंच पे दूसरा देंगे। इस तरह से हम इसको गोलाई का शेप देते हैं। गला हम 1.25 इंच पे देंगे, इसको भी इस तरह से राउंड शेप देंगे। गले के साइड से हम क्रॉस पट्टी लेंगे, 3.5 इंच क्रॉस पट्टी और 2.5 इंच इस साइड से, तो हम इसको जॉइंट करेंगे। गले के साइड से हमने 3.5 इंच क्रॉस पट्टी के लिए लिया है और आर्मोल की साइड से हमने 2.5 इंच लिया है। अब ये शोल्डर है, शोल्डर का हम सेंटर निकालते हैं। सेंटर से बिल्कुल सामने क्रॉस पट्टी पे एक निशान लगाते हैं। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, 2.5 इंच पे हम एक निशान लगाते हैं यहाँ से सीधा, और यहाँ से 1/4 इंच लेंगे, इस साइड से 1/4 इंच लेंगे और इस साइड से 1/4 इंच लेंगे। अब जो ये जो 2.5 इंच पे हमने सीधी लाइन लगाई है, इसको इस तरह से आर्मोल में जॉइंट करेंगे, इस तरह से इसको आर्मोल में जॉइंट करेंगे। और जो 1/4 इंच का हमने निशान लगाया है, वो इसको हम 2.5 इंच में मिलाते हैं। इस तरह से हम यहाँ जॉइंट करेंगे। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये भी बैक साइड और ये फ्रंट साइड। ये 1/4 इंच का जो है, ये भी हम कट करते हैं। यहाँ पे हमने ये 1/4 इंच यहाँ से बढ़ाया था, ये 1/4 इंच यहाँ पे बढ़ाया था। तो अब ये दोनों जो पार्ट है, ये हम दूसरे पेपर पर बढ़ाते हैं। लेकिन ये इस साइड से हमने 1/4 इंच बढ़ाया था, उसके अपोजिट साइड से हम 1/4 इंच बढ़ाएंगे। जैसे कि इस साइड से हम 1/4 इंच बढ़ाते हैं और इस साइड से 1/4 इंच बढ़ाएंगे, ऊपर के साइड से नहीं, यह भी ऊपर के साइड से नहीं, जैसे कि यह क्रॉस में हम 1/4 इंच बढ़ाते हैं, ताकि ये टक्स के लिए होगा। तो दूसरे पेपर पर बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं ये देखते हैं। दूसरा मैंने पेपर लिया है, अब इसके ऊपर ये रख के
यहाँ पहले हम सवा इंच पे एक निशान लगाते हैं, उसके बाद ये जो है यहाँ पे इस तरह से रख के हम ये जैसा है वैसा ही पहले निकालते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से आएगा। अब ये भी है, इसको भी हम दूसरे पेपर पर बढ़ाते हैं, जैसे कि इस साइड से बढ़ाया था, अब इस साइड से बढ़ाएंगे। ये दूसरा पेपर लिया है, यहाँ पे हम सवा इंच पे एक निशान लगाते हैं, सवा इंच के ऊपर हम इस तरह से ये रख के ये क्रॉस में रखते हैं इस तरह थोड़ा। अब ये जैसा है वैसा, जैसे कि इस साइड से हमने बढ़ाया था, अब इस साइड से बढ़ाया है, तो हम इसको इसी तरह से जैसा है वैसा ही निकालते हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से आएगा। अब स्लीव्स की कटिंग देखते हैं। ये डबल पेपर लिया है, अब यहाँ पे जैसे आर्म होल लिया है हमने, ये जो आर्म होल होता है, ये आर्म होल लिया है हमने 6 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करना पड़ता है, तो 8 इंच ये हुई बाजू की चौड़ाई। तो यहाँ पे इस तरह से जितनी लेंथ होगी उसमें 1.5 इंच बढ़ाना पड़ता है। तो अभी ये मैं पेपर कम होने के कारण ये 6 इंच ही लूँगी, क्योंकि 1.5 इंच मैं कपड़े पर बढ़ाती हूँ। यहाँ से हम 3 इंच लेंगे, 3 इंच पे सीधा, 1 इंच पे सीधा लेंगे, और यहाँ से भी 1 इंच सीधा लेते हैं। तो हम इसको जॉइंट करेंगे, जैसे कि ये 1 इंच पे सीधा लेते हैं, और इस साइड से भी 1 इंच, यहाँ से हमने 3 इंच लिया है। तो अब इसको इस तरह से शेप देते हैं। ये दोनों में हमें 1 इंच का अंतर होना चाहिए, यहाँ भी 6 इंच है बाजू की मोहरी, और 1.5 इंच हम इसमें प्लस करेंगे सिलाई के लिए। अब इसकी कटिंग करते हैं। ये इस तरह से आएगा। तो ये हमारी 38 इंचेस 3 पीस प्रिंसेस कट की हमारी कटिंग हो चुकी है।